चरखी दादरी में सुबह की सैर पर निकले एक व्यक्ति पर पेट्रोल छिड़क कर बाइक सवार तीन युवकों ने आग लगा दी। इस वारदात के बाद हर किसी की रूह सिहर उठी। घटना स्थल के पास कीचड़ में लेटकर व्यक्ति ने शरीर पर लगी आग बुझाई तो बुझा दी, मगर तब तक जानलेवा हमले में वो झुलस गया। वहीं आज पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। मामले में कार्रवाई न होने से खफा पीड़ित के परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर गांव इमलोटा के बस स्टैंड के पास दादरी दिल्ली रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे सदर थाना प्रभारी वीर सिंह और डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया और करीब दो घंटे बाद जाम खुलवाया। तेल छिड़क की और आग लगा की बाज उनका भेद लग गया नहीं है। जो वो लाया था जाम और प्रशासन ने 10 दिन का टाइम लिया है, फिर कुछ कार्रवाई चालू हो जाएगी आगे। 4 तारीख की है जी, है सुबह 5:30 बजे जी। वो घूमन फिरन जा रहा था सुबह, और कोई गांव में कोई तकरार वाला तो कोई काम नहीं है, सब तो मिला तो जी। वो तो दो भाई पकड़ के ले आए थे, उसने जलाया पाछे और वो तो पानी में कूद गया, जब बचा रह गया। जब 4 दिन काटे हैं जी, 4 तारीख। गंभीर रूप से घायल कुलवंत की रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में हत्या का केस दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध ग्रामीण नेशनल हाईवे पर उतर आए। जाम की सूचना मिलते ही पहले इमलोटा चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने हालात को काबू में पाने की कोशिश की। दादरी दिल्ली रोड को इसलिए जाम किया गया था, पहले 3 दिन पहले किसी परिजन पर सुबह घूम रहा था, उस पर किसी अनजान आदमी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसका डेथ हो गई है। और गांव ने क्रॉस की वजह से ये आज जाम लगाया दिया था, जो अभी गाँव को आश्वासन दिया है कि इनकी कार्रवाई उचित करेंगे और इसे जल्दी जल्दी से ट्रेस आउट करेंगे। और ये गाँव के लोगों ने पुलिस का सहयोग करते इस जाम को उन्होंने अभी खोल दिया, व्हीकल स्मूथली चला हुआ है। आश्वासन भी दिया है जी? हाँ, इनका ट्रेस आउट करके देंगे, आश्वासन इनका ये जिसने घटना घट रही है, जिसने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसे गिरफ्तार करेंगे और कार्रवाई करेगी पुलिस। अभी तक इसमें कोई सुराग नहीं, ये तफ्तीश का पार्ट है और जैसे ही कोई सुराग लगेगा गाँव के जरूर उसकी कार्रवाई करेंगे। पुलिस का कहना है मृतक के नाराज परिजनों को उचित जांच का आश्वासन दिया गया है। वही बदमाशों की धरपकड़ को लेकर पुलिस का कहना है कि फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है, मगर जल्द ही सभी आरोपियों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। चरखी दादरी से पुनीत चौरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।